जो सुनील, आप लोग अक्सर ये सवाल पूछते रहते हैं कि क्या अपने बच्चे को म्यूजिक सुना सकते हैं अगर हम उनको मोबाइल फोन या टीवी की स्क्रीन नहीं दिखा रहे। बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, इसी के ऊपर आज हम बात करने वाले हैं। अगर आपने अभी भी अपने बच्चे के लिए पेरेंट्स ट्रेनिंग प्लान नहीं लिए हैं और उसकी एज 2 साल, 3 साल, 4 साल कुछ भी है, बस आप टाइम मत लूज कीजिए। यहाँ आप टाइम में लूज करके, और कई लोग क्या होते हैं कि वो पेरेंट्स ट्रेनिंग प्लान स्टार्ट करते हैं, 2 महीने 3 महीने में गायब हो जाते हैं, उसके बाद 2 साल 3 साल के बाद कॉन्टेक्ट करते हैं, जिससे कि बहुत सारा लॉस वो अपने बच्चे का कर चुके होते हैं। पेरेंट्स ट्रेनिंग प्लान शुरू कीजिए, बहुत सारे पेरेंट्स ऑलरेडी अपने बच्चों को ठीक कर चुके हैं। वीडियो फीडबैक भी चैनल पर अवेलेबल है और लोगों के हजारों कमेंट्स हैं जिनके बच्चे ठीक हो चुके हैं। आप भी आगे बढ़िए, बच्चों को ठीक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, पूरी दुनिया में फैला दीजिए। मुझसे कंसल्ट करने के लिए 8168790299 डायल कर सकते हैं, +91 जरूर लगाएं अगर आप इंडिया के बाहर से कॉल कर रहे हैं। इंडियन कंसल्टेशन 1000, इंडिया के बाहर से कॉल कर रहे हैं 3000 रुपीज़ अकाउंट ट्रांसफर देकर आप मेरे अपॉइंटमेंट जल्दी से जल्दी ले लीजिए, ताकि अपने बच्चे का आप ट्रीटमेंट भी जल्दी से शुरू करें। बात कर रहे हैं कि क्या म्यूजिक सुना सकते हैं। बिल्कुल म्यूजिक सुना सकते हैं, क्योंकि म्यूजिक सुनाने में क्या 5 सेंसेस इन्वॉल्व नहीं है। उसमें क्या होता है, बेसिकली ज़्यादा जो फर्क पड़ता है वो विजुअल यानी विजन से फर्क पड़ता है, देखने से फर्क पड़ता है, क्योंकि देख करके बच्चा उसको इमेजिन करेगा बहुत ज़्यादा। म्यूजिक घूमता भी रहेगा तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स नहीं है। सो म्यूजिक ज़रूर सुना सकते हैं, लेकिन विजुअल्स बिल्कुल मत दिखाइए। आप मोबाइल फ़ोन टीवी से अवॉइड करिए, बिल्कुल अवॉइड करिए। लेकिन कोई भी म्यूज़िक है, सॉफ्ट म्यूज़िक आपके घर में सारा दिन चल रहा है, राइम्स चल रही हैं, कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं। लेकिन बहुत ज़्यादा हिप हॉप टाइप का म्यूज़िक ना चलाएं, थोड़ा सॉफ्ट चलाएं, जिससे कि आपके बच्चे के ब्रेन को रिलैक्सेशन भी मिले। अगर हिंदुओं की बात करो तो वो गायत्री मंत्र, महामृत्युंजय मंत्र या इस तरह की कोई मंत्र चला करके, या कोई 40 पाठ हल्की हल्की आवाज़ में चला के रख सकते हैं। उसके साथ साथ वो राइम्स भी सुना सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। मुसलमानों में आप लोग अपने धर्म से रिलेटेड, अपने रिलीजन से रिलेटेड कोई चीज़ हल्की हल्की आवाज़ में चला करके रखिए। उसके अलावा क्रिश्चियंस के लिए भी यही एडवाइस है और सिख्स के लिए भी यही एडवाइस है कि वो सब लोग अपने आप रिलीजन से रिलेटेड कोई भी चीज़ अगर सॉफ्ट म्यूज़िक चला करके रखें वो बहुत अच्छा होगा। लेकिन राइम्स भी चलाने से कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ये सारी की सारी चीज़ें आप चला करके रख सकते हैं। यानी म्यूज़िक में इन ऑल ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम ज़्यादा है विजुअल्स देखने में। इसलिए आप स्क्रीन मत देखने दीजिए, चाहे वो मोबाइल का स्क्रीन है, चाहे वो आपके टीवी का स्क्रीन है, वो ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करता है। उससे इमेजिनेशन प्रोड्यूस होती है और उसकी वजह से बच्चा लॉस्ट होता है, कॉन्शियस से सबकॉन्शियस की तरफ जाता है। इसलिए इसमें कोई हर्ज नहीं है कि अगर आप अपने बच्चे को म्यूजिक सारा दिन सुनाते रहेंगे तो वो आप चला करके रखिए, देयर इज नो प्रॉब्लम इन दैट। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय। कमेंट जरूर करते रहिए और जल्दी से इनरोल करिए।